you know, there are movies that we go watch in the theaters, there are movies that we wait to watch, then there are movies that we watch bar bar ghar pe aake bhi, jinki hum DVDs jo hai wo ikatthi karke rakhte hain ki ye bahut zaruri hai ki hame collection mein apne jo hai dalni hai. Agar aap us type ke hain to Neeraj Ghaywan ki movie ki series aapke collection mein definitely hogi. You know, definitely wo aapke kahin pen drive mein padi hogi, computer pe saved hogi. Aap apne kisi friend ko bata rahe honge aaj se 4-5 saal pehle bhi, oye tune ye movie dekhi hai. And that is the reason why I'm sitting here today at the Bridge Conclave with Shangri-La with Neeraj Ghaywan sir. Neeraj sir, last memory मेरी आपके साथ बात की है, मसान रिलीज होने वाली थी और ये पूरी स्टारकास्ट के साथ इंटरव्यू देने आ रहे थे रेड एफएम स्टूडियोज, बट ऑलमोस्ट नहीं पहुंचे एंड बिकॉज दे गॉट लेट एंड सर अब तो बहुत लेट हो गया. तो ऋचा चड्ढा जी से मैंने बात करी, मैंने कहा आप हम बड़ी देर से वेट करें, आप आएंगी एंड शी गॉट ऑल ऑफ देम टू कम एंड वंस दे केम यू नीड टू टेल अस हाउ वाज इट वंस यू केम. इट वॉज अमेजिंग बिकॉज जब पूरा दिन हम लोग इतने थके रहे थे, हम लोग लगा कि यार क्या उन लोगों का टाइम बर्बाद करने वाले हैं क्योंकि हम लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या थके हुए हैं और रेडियो इंटरव्यू होगा और ऐसे सेम सवाल पूछे जाएंगे. आपकी एनर्जी, ओह माय गॉड, सडनली हम लोग इतने एनर्जाइज हो गए थे कि ब्रिंग इट ऑन, खूब मजा आया. तो एज अ फिल्म मेकर एंड नॉट जस्ट एज अ फिल्म मेकर, आई थिंक एज अ पर्सन जो एक प्रोफेशनल है, एक इंडस्ट्री में काम करता है, आपको क्या लगता है किस तरीके से आपकी इंडस्ट्री को जो बॉलीवुड है इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है औरतों की रिप्रेजेंटेशन के लिए? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक? वी रियली नीड अ ब्रिज, वी नीड अ प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स वेयर बिग इश्यूज, आई मीन वी जस्ट हैड अ टॉक अबाउट इट, अबाउट हाउ पेट्रियार्की, अबाउट एजेंसी फॉर वुमेन बीइंग इंक्लूसिव, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वी नीड टू टॉक, व्हिच इज व्हाई वी वर हियर सेइंग दैट. जैसे हम लोग अंदर बात कर रहे थे, इट वॉज अबाउट कि इट्स अबाउट टाइम दैट वी स्टार्ट grandstanding and pedestalizing working women. I mean, they're just working. So just why make it like there's a great achievement? I think that's fantastic. हाँ जी. हाँ ओके भाई, अब लड़की कमाने लग गई है, अभी नॉर्मल है लड़की कमा रही है, अभी उसका फाइट नेक्स्ट लेवल पे फाइट है अभी उसका. करेक्ट. एंड हमारे यहाँ पे जैसे एक फिल्मों में एक तरीका होता है टू अ फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ फिल्म्स, उसमें एक होता है बेक्टेल टेस्ट. ठीक है, व्हाट दिस टेस्ट सेज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो दिस. या सो इन दिस द इट हैपेंस अब्रॉड, वहां पे बहुत लोग देखते हैं, उसमें होता है कि अगर देयर आर योर फिल्म हैज टू वुमेन हु आर टॉकिंग समथिंग अदर देन अ मैन, अबाउट समथिंग अदर देन अ मैन, सो देन इट फेयरली रिप्रेजेंटेटिव. अच्छा, तो हमारे यहाँ पे तो वो स्तर तक हम पहुंचे नहीं है, आई थिंक हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम. अच्छा अच्छा, ये हिंदुस्तान में ये नहीं होता है. हमारे यहाँ तो मतलब देखिए, वुमेन आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट मैन इन आवर फिल्म्स. हाँ, अभी तो रिक्वायरमेंट यही है. एंड इवन इफ यू आर शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, मतलब अगर फीमेल प्रोटैगनिस्ट है फिल्म, हर चॉइसेस, हर एक्सपीरियंसेस आर ऑल ड्रिवन बाय मेल डिसीजंस. हाँ, मुझे लगता है तुम ऐसा करना चाहिए तो ठीक है, तुम वो ऐसा कर लेगी. तो एजेंसी, मैं एजेंसी की बात कर रहा हूँ कि आप कभी भी हमारे यहाँ पे ना फिल्मों में औरतों को नहीं दिखाते कि उनके पास कोई अपनी एक सोच है, अपनी एक चॉइस बनाने का एक नजरिया है, एक वर्ल्ड व्यू है, एक इंटेलिजेंस है, सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स. सो अगर वो स्टार्ट हो गया ना, देन वी स्टार्ट सीइंग वुमेन एज ह्यूमंस हु आर जस्ट एज इक्वल एज मैन एंड नॉट नेसेसरली हैव टू बी डूइंग दिस थिंग. यार अगर एक बहुत ही मैस्कुलिन ओलंपिक में जीती है वो कैरेक्टर, या अगर एक सूट पहन के कॉर्पोरेट में जा रही है तो ग्रेट कैरेक्टर. नो, आई मीन शी वुड जस्ट बी लाइक अ हाउसवाइफ एंड शी वुड बी जस्ट डूइंग अ जॉब. दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक अप्रोच, बिकॉज असलियत में नॉर्मल इंसान, नॉर्मल लेवल पे, नॉर्मल स्तर पे जो महिलाएं हैं वो ऐसी ही होती हैं, वो इसी तरीके की होती हैं. अब जैसे अगर हम लोग इंटरसेक्शनैलिटी की बात करें, जैसे मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे जूही की फिल्म है पिक्कू में, शी इज अ वर्किंग वुमन, बट उस फिल्म का मुद्दा यह है कि शी इज ट्राइंग टू लिटरली रेज अ फादर. ओके, सो दैट इज द मेन मुद्दा. द मेन मुद्दा इज नॉट दैट शी इज वर्किंग वुमन. हां, दैट्स जस्ट समथिंग जो सेकेंडरी एस्पेक्ट है उसके बारे में. अगर आप मान लो एक लेस्बियन कैरेक्टर को डालते हो, शो हर दैट मे बी शी इज अ हैकर एंड शी इज नॉट, शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग एंड शी हैज वर्कप्लेस पॉलिटिक्स अबाउट द हैकिंग थिंग. Not about her sexuality. Not about sexuality. Just make it common. Yeah. That means actually inviting more people, जिनको हम real life में जानते हैं probably, but बड़े पर्दे पे हमें representation नहीं मिलती है उनकी, और इसी वजह से हम real life में भी उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उनके बारे में बात नहीं होने देते हैं normal तरीके से. I think that's what you're saying, and that's a very fantastic approach instead of just talking about the fact कि हमें strong female character चाहिए. If I'm getting the sense of it, you're right. चीजों को normalize कर दें कि यार ये तो होता रहता है, क्योंकि फिल्म्स बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को. इन अ मूवी लाइक मसान, यू नो, व्हेन वी सी रिचा स्टोरी अनफोल्ड, वी डोंट फील सैड फॉर हर लाइक हाउ अदर्स आर फीलिंग, बिकॉज़ दैट्स नॉट हाउ शी लुक्स एट हरसेल्फ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. शी थिंक्स दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग सेक्सुअल ऑटोनॉमी, एंड दैट्स जस्ट ब्यूटीफुल, शी वांट्स टू हैव, सो व्हाट इज रॉन्ग इन इट. तो आप नीरज घेवान बहुत एक्टिव हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, लेट मी टेल यू, ट्विटर पे ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे ही ट्वीट्स समथिंग, रीट्वीट्स समथिंग.
बट ऑफ लेट उन्होंने कम कर दिया कुछ, अभी हमारी हमारी बात चल रही थी. सो आई डोंट नो, एज अ सेलिब्रिटी, एज अ पब्लिक फिगर ऑन सोशल मीडिया, यू नो, आर यू मिसिंग वर्ड्स? बट फॉर मी, yeah, in a way, I would not deny that I'm not mincing words, because the problem is that, you know, you say something and people really take a different meaning out of it. You don't have a, you can't have a debate over there. And this trolling culture is really, I mean, how far can you actually, there was a point where I actually spoke about Padmavati, the time when, you know, those, the fringe, supposedly calling supposedly fringe, whoever, but they are actually God mainstream, knows, they are actually mainstream right now, because if they get a chance to speak on national television, go on and then they're no longer fringe. A bounty on the most successful women in this country, then they're no more fringe. तो उनके बारे में बात की तो वो कहीं से वो हो गया. एंड आई रिमेम्बर दैट पॉइंट वेयर आई वाज डूइंग अ प्रेस कॉन फॉर ज्यूज, और उसमें वो सवाल आया था, तो उसमें घुमा फिरा के किसी तरह वो एक स्टेटमेंट बन गया. आई एक्चुअली गॉट 1500 गालीज इन एन आवर. माय गॉड. तो आई वाज थिंकिंग, अगर मुझे इतना झेलने को मिलता है तो पता नहीं ऑल दी स्ट्रॉन्ग वुमेन लाइक मे बी बरखा और दीपिका एंड ये सबको क्या क्या झेलना पड़ता होगा. तो मैं तो ये सोच के दंग रहा था. तो इट्स बेटर कि जस्ट आप फिल्में बनाएं, अपनी कहानियां लेकर आए उस तरीके से. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस हियर एट द ब्रिज शांग्रीला विद रेड एफएम. थैंक यू सो मच नीरज.